रफ्तार से दौड़ती ज़िंदगी मानो कुछ थम सी गई है, लेकिन ऐसा ही होना है ये तो तय था, क्योंकि कुदरत कब क्या रंग दिखाए किसे पता। प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसका सलूशन डर कभी नहीं होता। वी आर फाइटर्स, हम सब फाइट करेंगे अवेयर और अलर्ट रहते हुए, और कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी वही खुशनुमा दौड़ती भागती ज़िंदगी। कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर हम एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस को पूरी ऑनेस्टी के साथ फॉलो करेंगे, और करना ही पड़ेगा क्योंकि ज़रा सी लापरवाही हमारे साथ क्या कर सकती है ये हम सब जानते हैं। इस वक्त आपकी इम्यूनिटी सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले लोग ईजिली इन सबसे बाहर आ जाएंगे। लेमन वाटर इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है, इसीलिए मैं हमेशा स्टार्टिंग से ही इस पे जोर देती हूँ। इस सिचुएशन में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हर 15 मिनट बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने के लिए बॉडी में स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है, और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ को यूज़ भी करना पड़ेगा। इसीलिए इस दौरान एक्सरसाइज करना कभी ना भूलें, अपनी बॉडी को हीटअप करते रहें ताकि आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी सपोर्टिंग मोड में रहें। मेडिटेशन हमें इंटरनली स्ट्रांग बनाती है। किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव रहकर पैनिक ना होकर डील करने से ही हम अपने और अपनों के लिए पीसफुल इन्वायरमेंट बना सकते हैं, क्योंकि जो हो रहा है उसमें से बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है, जो है उसे निग्लेक्ट नहीं करना है। इस दौरान अपने खाने पीने का खास ख्याल रखें, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, सैलड ज़्यादा खाएं, यानी कि रॉ वेजिटेबल्स का इंटेक जितना ज़्यादा आप करेंगे उतनी ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। 1% मान लीजिए अगर आपके हाथों पे वायरस लगा भी है तब भी वो आपका तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप अपने हाथों को मुंह के पास नहीं लेके जाते। इसलिए बार बार अपने फेस को टच करने की हैबिट हमें छोड़नी होगी। अपने आईज, नोज और माउथ को टच करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने हैंड्स अच्छे से वॉश कर लें। और ये हैबिट ना सिर्फ एक बल्कि फैमिली के हर मेंबर को हो जानी चाहिए कि फेस को टच करने से पहले या खाने वाली किसी भी चीज़ को टच करने से पहले आपके हाथ सैनिटाइज होने चाहिए। इवन कि अपने फ़ोन को टच करने से पहले भी अपने हैंड्स को सैनिटाइज कर लें, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे हाथों से फ़ोन पे और फ़ोन से वापस हमारे हाथों पे ट्रांसफ़र होता है। मेक श्योर कि रात को सोने से पहले गर्म पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के सब लोग गागल करेंगे। ये हैबिट वायरस से डेफिनेटली आपको सेव रखेगी। इस वक्त अपने घर के बुजुर्गों का ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि ये उनको ज्यादा हार्म करेगा। काफी लोग अपने ऑफिस का काम घर से कर रहे हैं, विच इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आज दिन है संडे, डे ऑफ हैवी लॉन्ड्री। वैसे भी आजकल संडे हो या मंडे सब लोग घर पे हैं, स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं। इवन कि मेरे हस्बैंड जो कभी ऑफिस से छुट्टी नहीं लेते वो भी मैक्सिमम टाइम घर में ही बिता रहे हैं, और साथ ही अपनी बोरियत को दूर करने के लिए घर के कामों में भी कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ऑफिस का काम ऑफिस में ही होता है, घर में तो सिर्फ गॉसिप्स होते हैं। घर में सिर्फ गॉसिप नहीं कितने काम होते हैं ये दिखाने के लिए उनको इन्वॉल्व करना भी जरूरी है। संडे को सब लोग लेट ही उठते हैं तो ब्रेकफास्ट की कोई जल्दी नहीं होती है, इसीलिए सबसे पहले मैं अपना लॉन्ड्री पार्ट खत्म कर लेती हूँ। लोड लगाते ही मैं किचन में एंटर हुई, और आते ही सबसे पहले डो रेडी किया क्योंकि आज बना रही हूँ मैं लच्छेदार परांठे। और इसके साथ अगर आप आलू और ढेर सारे टमाटर डालकर सब्जी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन आज बना रही हूँ मैं आलू गोभी की सब्जी। परांठे का आटा रेडी करने के लिए थोड़ा सा सॉल्ट डाला है मैंने, थोड़ा सा ऑयल डाला है मोयन के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथती जाऊँगी। और लोड रेडी करने से पहले मम्मा को देगी थी मैं गोभी चॉप करने के लिए, उन्होंने गोभी को चॉप करके वॉश करके रख दिया है और मेरा काम और भी इजी हो गया है। आलू गोभी की ये कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है, नॉर्मल तड़का हम जैसे लगाते हैं अनियन, जिंजर, गार्लिक और टोमेटोज के साथ, वैसे ही मैंने लगाया है। बिल्कुल नॉर्मल से मसाले डाले हैं। इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए या फिर स्पेशल बनाने के लिए, ढाबा स्टाइल आलू गोभी बनाने के लिए आपको आलू और गोभी दोनों को पहले डीप फ्राई करना होगा, तब इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट बनता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगी, ये सोच के मैंने फिर नॉर्मल आलू गोभी ही बनाई। थोड़ा सा मैं इसमें पनीर भी ऐड करूँगी, लेकिन रॉ पनीर नहीं, पैन में थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है तो हल्का सा मैं इनको सेक लूँगी। बस हल्का सा ब्राउन करना है और उतार लेना है।
जब तक गोभी की सब्जी बन रही है तब तक पुदीना तोड़ के ले आते हैं, पुदीना की चटनी बनाएंगे, और फ्रेश पुदीना अगर आपके गार्डन में है तो और भी मज़ेदार चटनी बनती है। पुदीना अच्छे से वॉश करके ग्राइंडर जार में डाला है, प्याज डाल दिया है, साथ ही 2 हरी मिर्च डाली है, सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा अदरक डाला है, पानी डाल के बस इसे ग्राइंड कर लेंगे। कि हमें साथ साथ डिशेस क्लीन करने की हैबिट है, इसलिए हमारा सिंक कभी ओवरलोड नहीं होता है। एक बार कुकिंग खत्म करने के बाद और एक बार ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करने के बाद हम लोग डिशेस क्लीन करते हैं, इससे ज्यादा लोड भी फील नहीं होता है और किचन भी क्लीन रहती है। तो चलिए अब जल्दी से बना लेते हैं लच्छेदार परांठे। बहुत ही इजी है इनको बनाना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस सिंपल जैसे आप रोटी बेलते हैं वैसे बेलना है, उस पर ऑयल अप्लाई करना है और उसकी परतें बनाते जाना है। अगर आप चाहें तो इसी परांठे को आप फ्लेवर भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं सिंपल बना रही हूँ। तो आप एक कटोरी में थोड़ा सा देसी घी डालें, उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालें, थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट डालें, और सिंपल ऑयल अप्लाई करने की जगह पर अगर आप उस मिक्सचर को अप्लाई करेंगे तो आपको जिंजर गार्लिक का फ्लेवर भी आएगा और साथ में चिली का फ्लेवर भी आएगा। तो उस परांठे को आप बिना सब्जी के साथ यानी कि अकेला भी खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आलू गोभी की सब्जी के साथ बना रही हूँ तो मैं प्लेन लच्छेदार परांठा बना रही हूँ। इधर बना रही हूँ मैं परांठे और मम्मा बनाने लग गए बेसन का हलवा। हमारे घर में बेसन के हलवे की डिमांड 2 ही लोग ज़्यादातर करते हैं, एक हैं कुलदीप जी और एक है जैस्मिन। दोनों ही मीठे के बहुत शौकीन हैं और वैसे भी वीकेंड पे एक स्वीट डिश तो बनती ही है। बस जैसे जैसे परांठे बनते जा रहे थे मैंने सबको आवाज़ लगा दी और जैस्मिन को बुलाया कि वो फटाफट से सर्व करती जाए। परांठा हो या रोटी, जितनी गरम गरम प्लेट में आए उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। डेली व्लॉग्स की डिमांड मुझे बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन सॉरी मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकती, पूरे घर का सिस्टम मेरा हिल जाएगा। और मैं हैट्स ऑफ करती हूँ उन व्लॉगर्स को जो डेली व्लॉगिंग करते हैं। मेरे कुछ नए सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि उन्हें नई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है, वो काफ़ी टाइम तक पुरानी वीडियोज ही देखते रहते हैं। तो मे बी आपने सब्सक्राइब बटन तो क्लिक किया है लेकिन आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया है। सब्सक्राइब बटन के साथ ही एक बेल बटन होता है, उसे आप क्लिक करेंगे तो एवरी टाइम आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगी। तो बस गरम गरम ब्रेकफास्ट सबको सर्व होता जा रहा है। हस्बैंड मेरे अभी अपना ऑफिस का काम खत्म कर रहे हैं, उन्होंने सुबह फुल प्लेट फ्रूट खा लिया था तो अभी उनका कहना था कि मुझे भूख नहीं, आप सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लो, मैं बाद में करूंगा। बच्चे आजकल टोटली घर पे हैं तो बहुत बोर फील कर रहे हैं, टीवी भी कितना देखें और क्या देखें, कहीं जा आ नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, तो लाइफ लगता है कुछ रुक सी गई है। नहीं तो हॉलीडेज में बच्चे घर पे कहाँ बैठते हैं, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग, मूवीज, इन सब चीजों को बहुत मिस कर रहे हैं। होप सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मैंने और जैस्मिन ने भी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया, हलवा एंजॉय किया। लोड सुखाने के लिए मैं ऊपर छत पे गई तो देखा उदय अपने रूम में ड्राइंग कर रहा था। स्क्रीन से ज्यादा इस तरह की एक्टिविटीज बच्चों के लिए ज्यादा यूजफुल होती है, डिपेंड करता है कि उनका इंटरेस्ट कितना है। उदय को थोड़ा बहुत पेंटिंग का इंटरेस्ट है, इसीलिए वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बनाता रहता है। इसके बाद इन्होंने भी अपने काम से कुछ ब्रेक लिया और ब्रेक लेके ब्रेकफास्ट किया। शाम
शाम को 5 बजे सभी लोग अपने घर से निकल आए उन लोगों का थैंक्स करने के लिए जो इस क्रूशल टाइम में भी अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। रियली हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो अपनी सेफ्टी को प्रॉब्लम में डाल के हमारी सेफ्टी के लिए अपनी जॉब निभा रहे हैं। मम्मा चाय बना रहे थे तो मैंने तैयारी कर दी डिनर बनाने की, और आज बना रही हूँ मैं डिनर में चिली मशरूम। सबने साथ में चाय पी और उसके बाद सब लोग चले गए गार्डन में। आज कुलदीप जी का मूड कुछ प्लांटिंग करने का है, तो सीड्स पड़े हुए थे मेरे पास। फेब टू जून में इनकी प्लांटिंग होती है, तो ये सीजन है नए फ्लावर्स को लगाने का। विंटर्स निकल चुके हैं, पुराने प्लांट्स जितने भी थे वो हमने निकाल दिए थे, अभी लग जाएंगे तो समर आते आते काफ़ी अच्छे खिल जाएंगे। चिली मशरूम की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिर्फ लंबे लंबे स्लाइसेस में आपको अनियन काट लेना है, इसी तरह से आपको कैप्सिकम भी काट लेनी है। उसके लिए अलग से एक मसाला रेडी करना होगा। मीठी सौंफ डाली है मैंने, काली मिर्च के दाने डाले हैं, जीरा डाला है, साथ ही डाल दिया है मेथी सीड्स। सब चीज़ें आप इक्वल क्वांटिटी में ले सकते हैं। उसके बाद ग्राइंडर जार में इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे तो आपका मसाला रेडी हो जाएगा। चिली मशरूम बनाने के लिए बर्तन में थोड़ा सा ऑयल डालना है, उसके बाद डाले हैं उसमें मस्टर्ड सीड्स, साबुत लाल मिर्च डाली हैं, 2 छोटी इलायची डाली हैं और जिंजर गार्लिक डाल दिया है कुछ कटा हुआ। हल्का सा इसको हम रोस्ट करेंगे, उसके बाद स्लाइस में कटे हुए हमने अनियंस डाल दिए हैं और साथ ही इसमें डाल देंगे हम मशरूम जो हमने पहले से काट के रखी है। चिली मशरूम एक ड्राई डिश है, बनती बहुत टेस्टी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसमें डाल दी है कैप्सिकम भी कटी हुई, साथ ही डाल दिया है सॉल्ट, जो मसाला हमने अभी ग्राइंड करके रखा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। बस इतना सा ही काम था और कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम फ्लेम पे कवर करके 7 से 8 मिनट आपको इसको पकाना है और आपकी डिश रेडी है। और अभी डिनर से पहले जैस्मिन का मूड स्टफी को परेशान करने का है, इसीलिए वो उसके साथ मस्ती में लगी है। इस सैलड की रेसिपी में आपके साथ शेयर करना भूल गई हूँ गाइस, लेकिन ये बहुत ही इजी है। सोयाबीन की दाल, वाइट सोयाबीन जो होती है वो मैंने ली है, उसको बॉईल कर लिया, उसके बाद उसमें कटा हुआ खीरा डाला, कटा हुआ टमाटर डाला, आप चाहे तो इसमें पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जो भी आप खाना चाहें, जो पसंद करते हैं वो सैलड में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें लेमन ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है और ब्लैक पेपर ऐड किया है, दैट्स इट। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।